गुड मॉर्निंग गाइज, आज है एक स्पेशल ब्लॉग, 26 जनवरी है और हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ एक्सपीरियंस करने। बच्चों के साथ बहुत लेट हो गए हैं ऑलरेडी, यानी ये तो आपको पता ही होगा अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो तो वी ऑलवेज लेट। हाँ, और मीरा इज़ ऑल्सो रेडी। मीरा, यू रेडी? मीरा इज़ ऑल्सो रेडी। पापा और भैया गए नीचे कार लेने, हम लोग फटाफट से जाते हैं और फिर मिलते हैं आपको वेन्यू पे। सो हम लोग आए हैं एक एनिमल फार्म पे, नोएडा में ही है ये। एंड यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पेट एनिमल्स या फार्म एनिमल्स जो होते हैं ना वो है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर रेस्क्यूड एनिमल्स, यानी कोई कहीं इंजर्ड हालत में मिला या किसी को सरेंडर कर दिया है, सो दे रेस्क्यू देम एंड कीप देम हियर, टेक केयर ऑफ देम। सो दे हैव हॉर्सेस है, गोट्स है, शीप, डोंकी, डक्स, हैन, काउज, पपीज, रैबिट्स, गिनी पिग्स, हर तरह के पेट एनिमल्स यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। खा लिया और भूख लगी है। फूड मीरू, तो बच्चे इन सारे एनिमल्स के साथ खुले में खेल सकते हैं, उनको फीड कर सकते हैं, फीडिंग बास्केट भी वहीं मिल जाती है। और क्योंकि आज यहाँ पे एक इवेंट था 26 जनवरी का, तो इन लोगों ने बच्चों स्पेसिफिक कुछ एक्टिविटीज़ भी रखी थी, जैसे कि यू नो लेमन रेस एंड ऑल ऑफ दैट। सो अथर रियली एन्जॉयड दैट पार्ट एज वेल। और उसके बाद हमको लग गई थी जम के भूख, और खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट वी हैड टू स्टार्ट विथ आर फेवरेट विच वॉज गोलगप्पाज। अगेन ये फूड अरेंजमेंट इसलिए है क्योंकि आज यहाँ पे इवेंट है, अदरवाइज नॉर्मल दिनों में यहाँ पे इतना खाना नहीं होता। आई थिंक मैगी वैगी ही अवेलेबल होती है, और मेरे साथ साथ अब अथर को भी गोलगप्पे इतने पसंद आने लगे, देखो जरा। आई वॉज हैविंग फन। मीरू, डिड यू हैव फन? अथु, आर यू हैविंग फन? यस। लंच कर रहे हैं हम लोग, और लंच में है बहुत सारी चीज़ें, गोलगप्पे खा चुके हैं हम लोग, और वी हैव समोसा, कटलेट, छोले आलू, स्टफ्ड पराठा, और मीरा को लगी है भूख। क्या खाएगी मीरू? पूड़ी खाएगी? घर से भी पूड़ी लेके आए थे कि शायद बच्चे ना खाए यहाँ का, लेकिन तू भी खा रहा है, मीरा भी खा रही है। समोसा। और देखो मेरे पास क्या है, मेरा न्यू शार्पनर। और लेमन रेस में थोड़ी सी चीटिंग करके जीत गया। अरे एक ऑरेंज भी मिला है छोटा सा बाहर। ये वही लेमन था जो स्पून पे रखा था, इट वाज एक्चुअली अ ऑरेंज, है ना? यस। खाने के बाद ना यहाँ पे इन लोगों ने एक बड़ा सा सैंडपिट बना के रखा है और कुछ स्लाइड वाइड लगा दी है, तो बच्चों को उसमें भी बहुत मजा आया, यानी बहुत देर तक उसमें भी खेले वो लोग। और यहाँ एक स्टॉल है इस फार्म और आजूबाजू के फार्म्स में, जो भी चीज़ें उगती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनफैक्ट दालें वाले सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी प्राइसी लगी, सो आई डिडंट बाय एनीथिंग। व्हाट इज दिस? क्लिक अ पिक्चर। दीज आर ऑल प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। ओके, राइट फ्रॉम द फार्म्स। एवरीथिंग, इट्स आवर ओन फार्म्स। ओके, मेनी ऑफ देम कम। व्हाट इज दिस? दिस इज हैविट। These are, tell me what it is. Figs? Yeah. These that you could taste. Cherry, you can have. Look how pretty are your figs. Say thank you to uncle.
ओके सो वी आर बैक आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग डे. यानी मेरा एकदम थक के चूर हो गई थी आके. सबने बस यू नो फ्रेश होके थोड़ा बहुत नहावा के कपड़े चेंज करके मेरा सो गई और हम लोग भी ऑलमोस्ट यानी रिलैक्स ही कर रहे थे बिकॉज इट वॉज अ टायरिंग डे. बट बहुत मज़ा आया, यानी बच्चों को तो बहुत मज़ा आया. एंड सो स्ट्रेंज कि यू नो पहले जो चीज़ें ऐसे नॉर्मल हमको देखने मिल जाती थी, काउज, बफेलोज, डोंकीज, हॉर्सेस, इनफैक्ट अभी भी मेरी मम्मी के घर पे और बहुत सारे छोटे शहरों में ये सब बहुत आसानी से देखने मिल जाता है. बट इन सिटीज लाइक दिस यू हैव टू एक्चुअली टेक देम टू एन एनिमल फार्म टू शो ऑल ऑफ दिस. सो इट्स अ लिटिल वियर्ड. बट हाँ, यानी बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें पहली बार देखी. अथर ने तो काफ़ी कुछ इसमें से देखा हुआ था, मीरा ने नहीं देखा था. यू नो रैबिट वॉज अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर हर. हॉर्स, शीप, गोट्स. अब भी नींद से उठी, थोड़ी क्रैंकी है, मैं बाद में बात करती हूँ. ओके सो आई एम बैक और मेरे साथ है मीरा जिसके रोने का इलाज है. व्हाट आर यू ईटिंग मीरू? पापड़. शी सच अ पापड़ लवर के पूछो मत. यानी अथर को भी बहुत पसंद है पापड़, मुझे भी बहुत पसंद है और मीरा को भी बहुत पसंद है. एनी वेज, सो आई वॉज सेइंग सो इट वॉज अ ग्रेट डे ऑल इन ऑल. वी बहुत ही एक अमेजिंग फार्म है. मैं उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी. अगर आप लोग नोएडा में हो तो आई हाईली रिकमेंड के यू नो गो देयर एंड इट विल बी अ फन डे आउट. ऐसे बहुत सारे फार्म्स हैं इनफैक्ट यहाँ पे आजू बाजू में. अ लॉट ऑफ यू नो पेट एनिमल फार्म्स है. सो यू कैन पिक एंड चूज. ये थोड़ा नया खुला हुआ है और रिलेटिवली भीड़ भाड़ कम होती है. छोटा सा फार्म है तो मीरा थी तो यू नो वी डिडंट वांट टू गो फॉर समथिंग एलाबरेट जहाँ बहुत वॉक करना है नॉल. सो दिस वाज लाइक अ परफेक्ट चॉइस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. सो आज तो हो गया बच्चों का फन डे आउट. अब कल मेरी और निशित की बारी है. वी आर गोइंग समवेयर इन द मॉर्निंग बच्चों को छोड़ के. यानी अथर की तो स्कूल है, मीरा को छोड़ के जाएंगे. सो आई थिंक आई विल मीट यू टुमारो नेक्स्ट मॉर्निंग. रेडी एंड इन फैक्ट बिफोर टाइम. यानी हमारे पास अराउंड 20 मिनट्स और है विच इज़ अ लॉट नोइंग अस. हम यूजुअली लेट चलते हैं थैंक्स टू आर किड्स. लेकिन आज बच्चों को रेडी नहीं करना था तो फटाफट से रेडी हो गए. थोड़ा बहुत काम है, मेरी बुक्स के कुछ ऑर्डर्स है वो पैक करने हैं. मीरा और क्या करना है सोच रहे हो. थोड़ा और टाइम मिलेगा तो रील एक पोस्ट करनी है, वो फटाफट से बना के पोस्ट करती हूँ. नहीं मिलता है तो फिर दोपहर में देखेंगे. और ये लड़की बाथरूम में चली गई, लेट मी सी क्या करें. मियू नो 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 कम आउट. आ जाओ, से हाय, से हाय. ऐसे कौन गिर जाता है. अच्छा से हाय. सो हमने मीरा की नैनी को थोड़ा सा जल्दी बुलाया है. आज वी आर गोइंग फॉर अ मॉर्निंग शो. मॉर्निंग यानी अराउंड 11 ओ क्लॉक का शो है. एंड क्योंकि हम लोग को वापस आना होता है अथर के आने से पहले, क्योंकि दो बच्चे नहीं हैंडल कर सकता कोई भी, यानी इंक्लूडिंग द नैनी, एक साथ नहीं हैंडल होते. दे आर जस्ट टू मच. सो वी हैव टू मेक श्योर कि यू नो अथर के आने से पहले हम लोग आ जाए. हैंस द अर्ली मॉर्निंग प्लान. बट शाहरुख खान के लिए इतना तो बनता है. एंड आई एम सच अ बिग शाहरुख खान फैन. यानी निश्चित completely is the opposite. Yani he's not a fan of Shahrukh Khan. Mujhe bhi as an actor nahi, but you know like generally as a star I'm like a super big fan since forever. In fact fun fact is meri life ki jo first movie mujhe yaad hai maine theater mein dekhi as a kid was Dar with my parents. And mujhe yaad hai ki bahut fight hui thi tickets ke liye. Tab single screen theaters hote the एंड ब्लैक में टिकट्स बिकती थी. एंड वी रिमेंबर के नाइट शो में हम गए थे, फर्स्ट डे था या सेकेंड डे था. एंड वी लिटरली हैड टू लाइक फाइट एंड गेट टिकट्स इन ब्लैक. और बहुत जुगाड़ लगा के फाइनली हमको टिकट मिली थी. एंड दैट्स माई फर्स्ट मेमोरी ऑफ अ मूवी इन अ थिएटर. एंड या तब से मैं फैन हूँ, अभी भी फैन हूँ. एंड आई थिंक आई विल बी अ फैन फॉर एवर. एक्साइटेड हो तुम शाहरुख खान की मूवी देखने के लिए? क्या लग रहा है, कैसी होगी? निश्चित. तुम क्या सिर्फ मेरे लिए आ रहे हो? और क्या? सही में बोलो तो सही कि सिर्फ तुम्हारे लिए आ रहा? सिर्फ तुम्हारे लिए आ रहा. ऐसे हम लोग यानी जब शादी नहीं हुई थी तब ऐसे मॉर्निंग शो में मूवी देखने जाते थे कभी कभार, है ना. तो उसके बाद सीधा बच्चे होने के बाद हमको मॉर्निंग शो में जाना पड़ रहा है क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है.
जस्ट इन टाइम, अथर की बस 10 मिनट में आने वाली है. निशित को मैंने अभी घर पे ड्रॉप किया एंड आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कम. और मूवी के बारे में क्या बताऊँ मैं, यानी बहुत एक्साइटेड होके गई थी, बट ठीक है, एज इन इट्स अ ओकेश मूवी, ऐसा कुछ खास नहीं है. ऑनेस्टली शाहरुख खान से ज़्यादा तो मुझे जॉन अब्राहम अच्छा लगा इसमें, बट या एज इन अगर आप शाहरुख फैन हो तो जाके देखो, ज़रूर देखो, यानी देन यू कांट स्किप इट. इफ़ यू ऑल्सो लाइक मूवीज़ लाइक टाइगर जिंदा है टाइप की जो मूवीज़ होती है ना, लार्जर देन लाइफ एक्शन वाली, और कुछ भी कोई भी कहीं से भी कूद रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, थोड़ा सा पेट्रियाटिज़म भी डाल दिया है. अच्छे इसमें गाने तो खैर अच्छे नहीं है, बट या म्यूजिक स्कोर एंड ऑल इज नाइस, उस टाइप की मूवीज पसंद है तो इवन देन यू शुड गो एंड वॉच इट. पैसा वसूल है उस पर्सपेक्टिव से, बट अगर आप यानी प्रॉपर ऐसे यू नो मूवी बफो जो एनालाइज करते हैं कि अरे स्टोरी ये है, यहाँ लूप होल है, यहाँ वो हुआ है, ऐसा कैसे होता है टाइप्स, यू नो, देन डोंट गो एंड वॉच इट, यू वोंट लाइक इट इन दैट केस. बट इन ईदर केस यानी हर कोई इतना सुंदर दिख रहा है, एवरीवन इज लुकिंग सो गुड, यानी शाहरुख खान इज लुकिंग सो गुड, जॉन अब्राहम इज लुकिंग सो गुड, दीपिका पादुकोण, यानी इट्स अ वेरी गुड लुकिंग मूवी, चाहे लोगों के पर्सपेक्टिव से, सीनिक ब्यूटी के पर्सपेक्टिव से, वैसे यशराज मूवी से यही एक्सपेक्टेड होता है. बट या सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एक आध कैमियो डाला हुआ है विच इज़ लाइक अ सरप्राइज कैमियो, थोड़ा एक्सपेक्टेड ही था कि कौन हो सकता है शाहरुख की मूवी में, ऐसा कौन सा कैमियो हो सकता है विच कैन गिव यू अ बिगर सरप्राइज, सो पता था कि कौन होगा, बट स्टिल यानी द कैमियो इज़ नाइस, थोड़े पॉप कल्चर रेफरेंसेज है, वो सब अच्छा है, तो उस हिसाब से जा सकते हो, देख सकते हो. आई थिंक अब यू नो आफ्टर बिकमिंग पेरेंट्स इज सच अ बिग एफर्ट टू गो फॉर समथिंग लाइक दिस, के यू नो इतना प्लान करके सुबह सुबह उठ के जाओ, तो फिर थोड़ी एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से होती है कि थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो लगता है कि यार वॉज इट इवन वर्थ द एफर्ट, तो वरना ऑन अ नॉर्मल डे आई वुड हैव लाइक्ड द मूवी, बट अभी सो सो है, एज इन दुखी नहीं हूँ मैं, पैसा वसूल है, बट या इट कुड हैव बीन बेटर. ऑल फॉर टूडेज ब्लॉग, घर आ गए हम लोग. आए तो मीरा ऑलरेडी सो चुकी थी, यूजुअली शी स्लीप्स एट अराउंड 3:30, तो मुझे लगा आएंगे तब जाग रही होगी, बट शी वॉज स्लीपिंग. अथर भी आके खा पी के इज गॉन टू हिज टेनिस क्लास, और मैं और निशित अब फटाफट से हमारा जो भी दिन का पेंडिंग काम है वी जस्ट कम्प्लीटिंग दोज थिंग्स, क्योंकि आज एक्चुअली फ्राइडे सो इट्स अ वर्किंग डे, और निशित ने फर्स्ट हाफ की छुट्टी ली थी और मैं तो अपना फ्लेक्सिबल रखती हूँ, सो बट स्टिल वी हैव लॉट्स टू कैच अप ऑन, सो वो करेंगे. एंड आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक, एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन. बाय बाय.